22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां इससे पहले सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान की ओर से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने और दिग्विजय सिंह की ओर से मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठाने को लेकर अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय का जवाब। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए साफ सफाई की। इस दौरान विजयवर्गीय के साथ एमएलए रमेश मेंदोला समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। वो महापंडित है तो मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे महापंडितों ने जो कर्मकांडी पंडित है उन्होंने मुहूर्त निकाला है और सोच समझ के निकाला होगा। उनसे ज़्यादा विद्वान तो दिग्विजय सिंह जी को मैं नहीं मानता। देखिए, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है, कोर्ट में एफिडेविट दिया, उनके मंदिर उनके वकीलों की 25-25 30-30 40-40 लोगों की टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी और भगवान राम के अस्तित्व को नकार रही थी। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी हुए ही नहीं। अब जनता रूपी हनुमान आने वाले समय में इन सब लोगों को जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था उनको सोठा लगाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने और दिग्विजय सिंह की ओर से मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठाने को लेकर अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।